subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. किस्मत हाई फाई हमारी हो, कभी तो टी शर्ट से मैचिंग फरारी हो, कभी तो बैंक में करेंसी करारी हो, कभी तो अपनी मैडोना से यारी हो, कभी कभी ऐसा लगे ये भी कम है ख्वाहिशे, खुदा मेरा पूछा करे रजा मेरी आंखों पे दब, जिंगल जिंगल सबकी जेबें, जिंगल जिंगल बैल अपने पास तो सिक्का सिंगल सोवन है। नाइस, वेरी नाइस। सो मास्टर क्लास में म्यूजिक पनिशमेंट, सबको सारा दिन गाना होगा, सारा दिन। तो शुरू हो जाओ। 4, 3, 2, 1 खादे कटोरे सुरमा बटोरे, लग दे छिछोरे बड़े हाय पाए, दिल पे दराती साढ़े चल जाती, मार दे गुलाटी पूछे वाहे वाहे, चाहे मैं डूबा बे सुकुट हो गया। Nice. Nice. Don't move. You want to be a rock star, huh? Punishment! सब ऐसे ही खड़े रहेंगे सारा दिन। And you, follow me. Believe me, sir. मैं आप जैसा बनने की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि बड़ा होकर मुझे आपके जैसे ही इसी स्कूल का प्रिंसिपल बनना है। You are my idol, Hitler sir. हाँ? अरे फिर हुआ क्या? फिर क्या? हिटलर पिघलकर गांधी जी बन गया। सनकी है सनकी, किसी दिन खुद का ही कोर्ट मार्शल कर देगा। वाओ, फिर तो अगला प्रिंसिपल मैं हूँ। Hey guys, I'm getting late. मैं जा रही हूँ। अरे रुको ना, तुम चली जाओगी तो मैं झंडी कौन दिखाएगा? Not again. Don't you guys get bored of doing such routine activities? What bored? Life is a race, ma'am. भाग लो या भाग लो। मतलब? मतलब के जो जीता वही सिकंदर। सुनो सुनो सुनो, तुम अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, रुमाल निकालो। एक रेस हो जाए उस चोटी तक। ये! Are we ready? Yes! Are we ready? Yes! Are
ए फिर से हाथों में हुई है खुजली, रेस लगाने की बादल छुआने की, ए ए ए ए ए शायद फिर से शर्त लगी है, पंछी नदी और पहाड़ों को पीछे छोड़ाने की, सीना करके चौड़ा न हाथी है न घोड़ा, मस्ती में आके पैदल घुमा के घंटी बजा के कैसे गो, वो वो कैसे चल चल ना यार कैसे गो, हम हैं तैयार साइकिल पे होके सवार कैसे गो, वो We don't like char diwari, we don't like Hitler. Hum apni atom mein rehte hain, yahan hai hum Sikandar. Hum hain very ziddi, apne aage sab hai piddi. Kare jo man mani, wo maange na pani, dila de yaad nani. So get set go, whoa, oh, get set, chal chal na yaar, get set go. Hum hain tayar, cycle pe, okay. गैंग प्यारा कोई बिगाड़े क्या हमारा, जो सारे मिल जाए दुनिया हिल जाए तो पीछे रह जाए ये जमाना, One more time, get set, चल चल ना यार, get set, go, हम है तैयार साइकिल पे होके सवार, get set, go, get set, चल चल ना यार, get set, go, हम है तैयार साइकिल पे होके सवार, get set, go, whoa, अबे खाना है तो जैम लगा के खाना। तुम भी लगाओ। Hey guys, वो देख तेरे घर यहाँ से भी दिखता है। ये देख आ गए। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ रोज साइकिल की रेस में हम लोग एक दूसरे से हारते जीतते रहते हैं, लेकिन जिंदगी की रेस में कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन क्या बनेगा, कभी सोचा है? मैंने तो सोच लिया, मैं तो डाइटिशियन बनूंगा। और सोम तुम? फाइटर पायलट। फाइटर पायलट? कल तक तो तुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना था ना। कैंसिल। सुकोई 30 का कॉकपिट देखा है? इतने सारे बटन्स, इतने सारे स्विचेस, किसी भी स्पेस साइंटिस्ट से कम नहीं है। फाइटर पायलट डिसाइडेड। मेरा तो फिक्स है। आई वांट टू बी अ रॉक स्टार एंड टुमारो इज माय डी डे। तो तुम सब लोग चल रहे हो ना मेरे साथ? चलोगे ना? हाँ, चलोगे ना? कितना मस्त है ना? मैं भी देखती हूँ कैसे मेरे बेटे को रिजेक्ट करते हैं। मेरा पति ना जर्नलिस्ट है, इन लोगों के बैंड बजा देंगे। खाना है तो जैम लगा के खाना।
अक्ष कुमार जी, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो? रुक जाओ, मैं आपको ऑरेंज जूस देता हूँ, फुल ऑफ विटामिन सी एंड B6, इट विल कंट्रोल योर नर्वसनेस। यार हमटी एक काम करना यार, एक बार ही पूछ के आना, कल भी ऑडिशन है ना। Are you nuts? कल भी स्कूल बंक कराएगा? अक्ष, prime yourself, तेरी बारी आने वाली है। चक दे फटे डूड, हमारा गैंग ऑफ फोर शुड रॉक। टिंग 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 टिंग। ओ हुजूर, तेरा 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 कुसूर, तेरा 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 कुसूर, तेरा तेरा तेरा। क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? आई एम फीलिंग प्यूकिश यार, लगता है मैं गा नहीं पाऊंगा। व्हाट? यू कांट डू दिस स्टूपिड, ये जियो 4 की इज्जत का सवाल है। कंटेस्टेंट नंबर 76, आकाश कुमार। आकाश कुमार जी, प्लीज जाओ। गाइस कांट यू सी दैट आई एम वोमिटिंग यार, अक्स वी कैन नॉट डू दिस यार। आई हैव एन आईडिया, सो यू गो एंड सिंग ऑन हिज बिहाफ। व्हाट? हां हां, दैट्स अ गुड आईडिया। किसी को क्या पता आकाश कुमार कौन है? हाँ। तू एक काम कर, तू ये जैकेट पहन और जा। क्या बात कर रहे हो यार, जल्दी पहन। ये क्या बात कर रहे हो यार, अरे छोड़ो यार मुझे। बट दिस इज सो स्टूपिड यार, मुझे तो खाना भी नहीं आता, मेरी कितनी बेइज्जती होगी। उससे ज्यादा अभी हो रही है। और भी गाऊंगा क्या? सारे जहाँ से अच्छा गा देना, अभी जाओ। आओ तानसेन जी, बड़ा टाइम लगा दिया, तानपुरा ट्यूनिंग कर रहे थे क्या? चलो सुनाओ। आहा, आहा, क्या सुर पकड़ा भैया, दिल को छू लिया। साउंड दादा कुछ कीजिए ना प्लीज। जी देखता हूं, कुछ बोलो। क्या बोलू? अरे कुछ भी बोलो यार, साउंड चेक कर रहा हूं। हेलो एवरीबॉडी, लेट मी मेक अ कन्फेशन, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके शुरू हो जाओ। चित चोर करे बदरा, घन घोर मतवारे बदरा, तो ए देख देख फूलों का महके अचरा, तो ए सोच सोच बहारों का बहके कजरा, कोई खींचे डोर मुझे तेरी ओर, तेरी ओर, कारे कारे बदरा हो। बस 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 बस। सुपर सुपर, माइंड ब्लोइंग। सच में दोस्त, बहुत अच्छा गाया। Thank you, sir. You are selected for the next round. Welcome to Ragarocks. रुक जाओ। फोकस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों का इंतजार। क्यों, क्या हुआ? सुबह से निकले हो, घर पे एक फोन तो कर देना था ना, सबके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। शिट यार, आज तो मुझे घर में जूते दी रोटी और चप्पल वाला साग मिलेगा। तुम सबके घर वालों को तो मैंने समझा दिया, लेकिन सोमू तुम्हारे पापा को समझाना बहुत मुश्किल, बहुत गुस्से में है वो। अ टाइट स्लैप ऑन योर फेस विल क्योर यू। कहां थे इतनी देर? हां मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो, मुंह में जुबान है कि नहीं? जवाब देते हो कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? साहब जी मेरी बात सुनिए, आज सोमू ने दामोदर
तुम्हें हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ। ठीक है जी, चला जाता हूँ, अपनी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। तुमने आज स्कूल बंक किया, यू लिसन टू मी सोम, इस घर का ना कुछ डिसिप्लिन है, तुम खबरदार उस डिसिप्लिन से बाहर निकले तो पानी, इसे आज खाना नहीं मिलेगा, he doesn't deserve to eat। अब इस तरह स्टैचू बन के खड़े मत रहो, गलती हुई है, पापा को सॉरी बोलो, चलो। तू मुझे गुस्सा दिखा रहा है? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। ऐसे गुस्सा नहीं करते, पापा ने गुस्सा किया उसकी एक वजह थी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तुम कहाँ हो, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, परेशान तो होगा ही ना कोई, हम्म, क्योंकि प्यार करते हैं वो तुमसे। सोम, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे मम्मी पापा को तकलीफ हो। मॉम, मैं मानता हूँ मुझे आप लोग को बता के जाना चाहिए था, पर मैं कोई ऐसी जगह नहीं गया था जहाँ मेरे जाने से आप लोग को तकलीफ हो। फिर भी सारा दिन कहाँ थे, कुछ तो बताओ। मैं रागा रॉक्स के ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया। क्या, वो तो एक टीवी रियलिटी शो है सिंगर्स के लिए। हाँ, उनको मेरा गाना पसंद आया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। क्या, तुम झूठ बोल रहे हो, सचमुच? मॉम, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कौन सा गाना गाया? वही गाना जो आप हमेशा गुनगुनाती रहती है। कौन सा, कारे कारे बद्रा, गा के सुनाओ। नहीं, अभी अभी मेरा मूड नहीं है। ओहो, मैं बहुत प्लीज। मां, मैं बहुत थका हुआ हूं। अरे नहीं, मुझे भी गा के सुनाओ। अच्छा सुनो। चित चोर कारे बदरा, घन घोर मतवारे बदरा, तो है देख देख फूलों का महके अचरा, तो ये सोच सोच बहारों का बहके कजरा, कोई खींचे डोर मुझे तेरी ओर, तेरी ओर, कारे कारे बदरा हो, कारे कारे बदरा हो, कारे। मॉम, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। एक तो ऑडिशन में इतना टाइम लग जाएगा मुझे पता नहीं था, और ऊपर से अक्स को गाना था, लेकिन मुझे गाना पड़ा। आई स्वेयर इट ऑल हैपेंड एक्सीडेंटली। ये एक्सीडेंट नहीं है, तुम्हारी डेस्टिनी है, डेस्टिनी। ओशी, ओशी, आ गई, बस दो मिनट। सोम, 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 सोम। हेलो, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस बच्चा, तूने तो कमाल ही कर दिया। कीप इट अप, कीप इट अप। देखना, तुम भी एक दिन अपनी मम्मी की तरह बहुत बड़े सिंगर बनोगे। आई ट्राई माय बेस्ट सर। हां, आई ट्राई माय बेस्ट। यस, 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 कीप इट अप, कीप इट अप। यस, चले सो। चल चल चल, पापा आपका जूस टेबल पर रख दिया, पी लीजिएगा। आई विल, यू गो टू स्कूल। जाओ, ओके, बाय बाबा। Bye, girl. Bye, 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 bye. I like to move it, move. कल तो मैं बिल्कुल डर ही गया था, लगा कि जजेस के सामने तगड़ी वाली बेइज्जती होने वाली है, बट फिर जिस तरह से उन्होंने मेरी तारीफ की ना, मजा आ गया। वैसे मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, है ना? तुम हो सिंगर सो, बस एक बार रागा रॉक्स जीत जाओ, फिर तो तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे, प्लेबैक सिंगिंग करोगे, लाइव रिकॉर्डिंग्स, टीवी शोज, पता नहीं क्या क्या। वाओ। पर वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं हो शे। लुक्स लाइक ब्लू माउंटेन्स, ये नीले पहाड़ दूर से तो बहुत पास लगते हैं, पर हकीकत में होते हैं बहुत दूर, इसीलिए दूर से ये नीले दिखते हैं, पर मुझे वहां पहुंचना है कैसे भी।
अभी तक नाराज हो दामोदर? साहब आपको बहुत प्यार करते हैं, उनकी बात का बुरा मत मानना। मुझे पता है साहब जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और नाराज तो दूर, मैं तो बहुत खुश हूँ कि सोमू ने गाने का ऑडिशन पास कर लिया। देखना एक दिन वो आपकी तरह बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। आपको पता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आज भी आपका वो कारे कारे बदरा बहुत अच्छा लगता है। क्या गाती थी आप जब आप गाना शुरू करती थी तो पूरी पहाड़ियों वादियों में एकदम अलग। चित चूर करे बदरा, घन घोर मत वारे बदरा। चित चूर करे बदरा, घन घोर मत वारे बदरा। तुहे देख देख फूलों का महके अचरा, तुहे सोच सोच बाहरों का महके कजरा। कौन सी पिक्चर थी जिसमें धर्मेंद्र साथ में हेलीकॉप्टर उड़ाता है और हेमा मालिनी के लिए गाने भी गाता है? अगर वो पॉसिबल है तो हमारा बेटा भी सिंगिंग पायलट जरूर बन सकता है। साथ में हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, साथ में दुश्मनों पर बॉम्ब गिराएगा, और वो भी टीवी पे आएगा। पर ओम, रागा रॉक्स जैसे रियलिटी शो के ऑडिशन में सिलेक्ट होना कोई मजाक नहीं है। उसने अच्छा गाया है तभी तो। क्या अच्छा गाया? सिंगर बनना इतना आसान है क्या? उसने कभी गाना सीखा है जो तुम उसको कंपटीशन में भेजने की सोच रही हो? आपको पता है वहां जजेस कौन कौन थे? उन लोगों ने सोम में कुछ तो देखा होगा जो उसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट किया? सो व्हाट? मुझे लगता है हमें सोम को सपोर्ट करना चाहिए। तुमको तो लगेगा ही, जब उसके सर पर क्रिकेटर बनने की सवार थी तब तुमने उसकी सपोर्ट नहीं की, फिर साइंटिस्ट बनने की सोची तब भी तुमने उसकी सपोर्ट नहीं की, लेकिन अब जब वो सिंगर बनना चाहता है तुम उसकी सपोर्ट कर रही हो। क्यों? Because once upon a time, you used to be a singer. क्या? I used to be a singer once upon a time? No, Om. I still am a singer. मैंने अपना करियर सैक्रिफाइस इसलिए किया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं नाइट लॉन्ग कॉन्सर्ट्स करूं। इतने प्लेबैक के ऑफर्स ठुकरा दिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं मुंबई में रहूं। आप मुझे मुंबई से यहां ले आए। मैं खुशी खुशी आपके साथ आ गई, म्यूजिक को भुला दिया। इतने सालों में मैंने आपसे एक बार भी शिकायत की?
नहीं ना, क्योंकि मैं आपसे, अपने बेटे से और इस घर से बहुत प्यार करती हूं, पर मैं इस लेबल के साथ नहीं रह सकती कि आई यूज्ड टू बी अ सिंगर। मैंने म्यूजिक प्रोफेशनली छोड़ा है, पर मैं आज भी एक सिंगर हूं। बाणी, तुम चाहो तो अब भी अपना सपना पूरा कर सकती हो। नहीं ओम, मेरे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो मैं नहीं बन पाई, अब वो मेरा बेटा बन के दिखाएगा। मेरा अधूरा सपना वो पूरा करेगा। म्यूजिक उसके खून में है। तुम गलत कर रही हो वाणी। अपना सपना अपने बच्चे के कंधों पे मत थोपो। मैं एक आर्टिस्ट हूं, टैलेंट परख सकती हूं। मैं सोम के हाथ से ये अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दूंगी। मैं उसके साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। ये मेरे लिए एक चैलेंज है, चाहे आप हमें सपोर्ट करो या ना करो। वाणी, तुम एक दिन पछताओगी। बैठो बैठो बैठो। गुरुजी, सोम को आपका आशीर्वाद चाहिए, अगर आप इसे संगीत सिखाएंगे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा इसके साथ रहेगा, लेकिन वाणी, मैं इसे संगीत नहीं सिखा पाऊंगा। गुरुजी, बस एक महीने की तो बात है। इसीलिए तो मना कर रहा हूं बेटा। गुरुजी, मैं मन लगा कर सीखूंगा। देखो सोम बेटा, आजकल के बच्चों को सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट म्यूजिक, फास्ट गेम्स, फास्ट तालीम। शास्त्रीय संगीत एक साधना है, अपने अंतर मन को जानने का एक तरीका है। इसे सीखने के लिए सालों साल का रियाज करना पड़ता है। देखो, तुम्हारी माँ ने कितने साल मुझसे सीखा, तभी तो इसकी आवाज इतनी अच्छी है। और जिस चीज को सीखने के लिए बेटा एक उम्र कम होती है, तुम उसको एक महीने में सीख जाओगे। गुरुजी, मैं तो चाहती थी कंपटीशन से पहले ये कुछ शास्त्रीय। देखो, तुम भी तो मुझसे सीखी हो, तुम इसे सिखाओ। मैं? कोशिश करो, जितना भी सिखा सको। अब तुम गाओ। नी रे गा
उन्होंने ली अंगड़ाई हाँ भीनी भीनी भोराई भोराई भीनी भीनी भोराई। सागर ऑफ का ये जोनल कंपटीशन सुरों का कुरुक्षेत्र बन चुका है, रागों का महासागर बन चुका है। सुरों के इस मैदान में ऐसे ऐसे सुरीले खिलाड़ी उतरे हैं कि कह पाना बेहद मुश्किल है कि किसको मिलेगी मुंबई जाने की इजाजत। आज मैं इन्नी कोशा तुहानू पता है जजस नु मेरा गाना ते मेरी आवाज बड़ी पसंद आई। फोटों को से हाँ ऐसा ही कुछ समझ गए। हाँ, अरे आकाश आकाश चलो तेरे लिए हम हैं जी फोटों को से। हर सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है और इन बच्चों की सफलता के पीछे सिर्फ उनके माँ बाप का ही नहीं बल्कि पड़ोसी दोस्त स्कूल टीचर्स सभी का आशीर्वाद है। लेकिन देखते हैं फाइनली जजेस का आशीर्वाद किन बच्चों को मिला है। आप सभी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नॉर्थ जोन में हम तीनों जजेस ने तीन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है। उनके नाम है पूर्वी शहरावत, दूसरी पोजीशन पे हैं आकाश कुमार, एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट वरिंदर सिंह। आप तीनों हमारे साथ मुंबई आ रहे हैं, वेलकम टू रागाउक्स, ऑल द बेस्ट। कुछ अच्छा भी नहीं कर रही हो तुम। अगले साल उसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। यही टाइम है जब उसको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और तुम उसी समय उसके पीछे पड़ के उसको तानसेन बनाना चाहती हो। अपने बेटे के करियर के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। दो दो राउंड जीतने के बाद भी आप यही बोलेंगे कि सो में टैलेंट नहीं है? क्या मैंने जजेस की कुर्सी पे बैठ के उसे शॉर्टलिस्ट करवाया था? वाणी, बात सिर्फ सिंगिंग टैलेंट की नहीं है। वो जमाना और था जब सिंगर सिर्फ हारमोनियम पकड़ के लोगों को डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे गाना सुनाते थे और लोगों को पसंद भी आ जाता था। अब जमाना बदल चुका है। अब सिंगर्स को गाना गाने के साथ साथ पूरी स्टेज परफॉर्मेंस आनी चाहिए, स्टेज प्रेजेंस होनी चाहिए। और तुम्हारा बेटा तो कभी अपने स्कूल की स्टेज पे नहीं चढ़ा, तो तुमको कैसे लग रहा है कि इतने सारे लोगों के सामने लाइट्स और कैमरास के सामने परफॉर्म कर पाएगा? छोटे से शहर का लड़का और तुम सीधा उसको धकेलना चाहती हो ग्लैमर की इतनी बड़ी दुनिया में? कम ऑन वाणी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट हिज टाइम। गेट इट आउट ऑफ योर हेड। नहीं, मैं नहीं। इतने दिनों के बाद तो कोई सपना सच होता दिख रहा है और मेरा ये सपना सच होगा ही। सोम को रागा रॉक्स जीतना ही होगा। आप लोगों के पोस्चर्स बहुत खराब है। सिमी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई डोंट यू चेक देयर पोस्चर्स? नाउ कम ऑन एवरीबॉडी, फॉलो मी, गिव मी परफेक्ट बैंड, परफेक्ट पोस्चर्स, गो वन, गो टू, थ्री, टेक अ प्रॉपर वेव, अप, बैक, jump, got it? Yes, sir. Music. Yes, sir. One, two, three, go. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Vani, you know how busy I am. I really don't have time for new students. But आप खुद आई हैं, तो बात कुछ और है. All this will call for a certain expense. How would you like to pay me? By check or by cash? Check. देखना. मैं सोम को इस तरह से ग्रूम करूंगा कि लोग उसे बस देखते रह जाएंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर माय बॉय। सोम, मैंने सुना है कि तुम अच्छे सिंगर हो, नो डाउट। आखिर बेटे किसके हो? बट सिर्फ सिंगिंग से काम नहीं चलेगा,
You need to learn to be a total performer. With music, dance, stagecraft, costumes, style. You need to create a complete magic. Magic on the stage. If you are rocking, your audience will rock. They want Dhamal. Dhamal on the stage. And this Mayank Kapoor will teach you do that. हौसलों का पकड़ के कॉलर तू पूछ ले ये सवाल हे छोड़ोगे जो कभी मुझे क्या तुम्हें ना होगा मलाल आंखों में आग तू ऐसे डाल आंखों में आग तू ऐसे डाल के वक्त की बदल जाए चाल So wake up look at the new lights wake up सोम सोम हाँ ये दिस इज कूल कौन है पापा इसे देखो प्रथम पहर की पहली किरणी धरा से मिलने आई प्रथम पहर की पहली किरणी धरा से मिलने आई शुद्ध धा लगाया कोमल धा लगाओ धरा से मिलने आई गाओ प्रथम पहर की पहली किरणें धरा से मिलने आई शाबाश सुर से संगम हो जो कंठ का मन ने तान लगा सपनों ने ली अंगड़ाई हाँ, भीनी भीनी भोराई भोराई भीनी भीनी भोराई जा अंधेरों से तू भिड़ जा बन के जलती मशाल घर बुझे भी तो रहे तू चिंगारी जैसा हिलाल जब भी उठे अच्छे हीरे की पहचान होती है वैसे ही मैं टैलेंट को देखते ही पहचान जाता हूँ और सोम आई मीन आकाश कुमार इसे तो मैं देखते ही समझ गया था कि ये एक नायाब हीरा है इज अ स्टार इन द मेकिंग क्या था और देखो क्या बना दिया मुंबई जाने तक का इंतजार कीजिए और वहां जाके देखिए ये क्या जलवा करता है चले एंड बाय द वे मेरे बारे में ना कुछ भी डायरेक्टली मत लिखना स्मार्ट पीपल ने पता चल ही जाएगा इनडायरेक्ट प्रमोशन करेक्ट आकाश कुमार पॉपुलरली नोन एज सोम शर्मा इन हिमाचल प्रदेश हैज क्वालिफाइड द जोनल कॉन्टेस्ट ऑफ रागा रॉक्स एंड विल बी सून परफॉर्मिंग इन द फेमस सिंगिंग टीवी रियलिटी शो रागा रॉक्स इज अ पॉपुलर
Don't you know? Magazines classroom mein allowed nahi hai. Punishment! Sab aise hi khade rahenge. Sara din. Oh, thank you. Huh? Well, I never wanted to be a singer, but music to mere khoon mein hai. Aaj main Bollywood mein Akshay Kumar ke liye playback karta hu. Yahan tak ki Salman Khan bhi chahte hain ki main unke liye gaun. So it's just so amazing. Autograph please. Oh yeah, sure. Nice pen, huh? Nice one. Autograph please. Oh, sure. Som! Are Som! हमने ना तेरे लिए कुछ ऑर्डर डिजाइन किए हैं तू ना इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर ले अच्छा हाँ देख ला भाई मेरे ये सब तेरे नाम के ऑटोग्राफ हैं मैं तेरे नाम से ऑटोग्राफ थोड़ी दूंगा अरे यार देख मेरा नाम अक्षित है और मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म हुआ अक्स और तेरा फिल्मी नाम जो है उसका नाम आकाश है और उसका शॉर्ट फॉर्म भी हुआ अक्स तो आकाश अक्स तो तू अक्स लेना यार भप ऐसा थोड़ी होता है मैं सोच रहा हूँ अक्षय कुमार को लोग प्यार से अक्की बुलाते हैं तो मैं अपना नाम अक्कू रख लेता हूँ आकाश का अक और कुमार का कु ऑटोग्राफ भी इसी नाम से दूंगा क्यों कैसा है आइडिया मस्त आइडिया है यार तू ना मुझे अपने सेक्रेटरी बना ले और मुझे भी ओके सो सेक्रेटरीज गो एंड पैक माय बैग्स गो और वो बॉल जरूर रखना यस बॉस ओए इधर दे ये ले ये निकाल ले क्या हुआ तुम्हें यार ये तरबूज होता तो कितना अच्छा होता कुछ नहीं कुछ तो है क्या हुआ तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा आई विल कॉल यू एवरी डे आई प्रॉमिस सोम सोम जी पापा ये क्या हो रहा है कुछ नहीं बस पैकिंग कर रहे थे अपनी बुक्स पैक करना मत भूलना जी पापा हाँ जो करने जा रहे हो कभी काम आए ना आए बुक्स पूरी उम्र काम आएंगी समझे ओम वुलन कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी मुंबई में ठंड थोड़ी होती है हाँ लेकिन कश्मीर में होती कश्मीर आप कश्मीर जा रहे हैं और मुझे बताया तक नहीं तुम्हारे पास मेरी कोई बात सुनने का वक्त ही कहाँ है और हमारा मुंबई जाने का क्या होगा मुंबई तुम्हारे सपनों की नगरी है तुम जाओ अपना सपना पूरा करो मेरा सपना और सोम का करियर कुछ नहीं ये सोम का करियर नहीं है ये तुम्हारा सपना है जो तुम पूरा करना चाहती हो सोम के जरिए क्या हुआ मुझे यहाँ क्यों बुलाया मैं तुम्हें एक बार अच्छे से देखना चाहती थी एकांत में देख लिया अब जाऊं अरे वहां पर सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं और फिर कुछ दिनों में तुम मुझे टीवी पर भी तो देखोगी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ जो तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी मूड रिंग इसे पहनकर जब तुम टीवी पर गाओगे ना तो मुझे लगेगा कि मैं तुमसे दूर सही पर तुम्हारे पास हूँ राधा रक्षित ना सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी सपना है जिसे तुम पूरा करोगे ब्लू माउंटेन जब तू नहीं सो सून यू विल बी अ सिंगिंग स्टार तब अगर मैं तुम्हें भूल गया तो मुझे भुला पाओगे
कभी नहीं। You're a sweetheart. Miss you. आकाश या मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन चमकता वही है जिसके ऊपर मुंबा देवी का हाथ होता है। गिव योर बेस्ट क्योंकि तुम्हारे स्टार बनने के फुल चांसेस हैं। मुझे तुम में दिखाई देता है कल का सिंगिंग सुपरस्टार। रागरॉक्स। मैं माधवी श्रीवास्तव लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा म्यूजिकल शो जिसमें हर पार्टिसिपेंट के लिए एक ही एपिसोड होगा, फाइनल एपिसोड, क्योंकि एक नॉकआउट शो है। तो आइए शुरू करते हैं रागरॉक्स का पहला एपिसोड हिमाचल की शान आकाश कुमार। चित चोर कारे बदरा घनघोर मतवारे बदरा चित चोर कारे बदरा घनघोर मतवारे बदरा तोहे देख देख फूलों का महके अचरा तोहे सोच सोच बाहरों का बहके कजरा कोई खींचे डोर मुझे तेरी ओर कारे कारे बदरा ओ कारे कारे बदरा ओ कारे कारे बदरा कारे कारे बदरा। वाह आकाश वाह, क्या गाते हो तुम। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नितिन जी आपको कैसे लगा? आकाश तुम्हारी उम्र से तो मुझे ये लगता ही नहीं था कि तुम ये क्लासिकल गाना गा पाओगे। बहुत दूर तक जाओगे आकाश अपनी लाइफ में। एंड दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। सपना जी आकाश आप उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन आपने इतना बढ़िया क्लासिकल बंदिश लिया मोंटी जी का कि मुझे लगता है आने वाले वर्षों में आप बहुत बहुत नाम करेंगे और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपको इतने नंबर दूंगी 10। मोंटी जी आप क्या कहेंगे?
आकाश आपने बहुत बहुत बढ़िया गाया. थैंक सो मच. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्पोजिशंस. इसको मैंने ही कंपोज किया था. ये गाना सुन के मुझे इस गाने की ओरिजिनल सिंगर थी उनकी बहुत याद आई. उनके बहुत करीब गाया आपने. किसने सिखाया आपको ये गाना? सर मेरी मॉम ने सिखाया मुझे. ओ, मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेट्स बोलना आपकी मॉम को, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाया. सर वो आई हुई है तो आप खुद ही बोल दीजिए. ओ माई गॉड, वानी जी, वानी शर्मा जी, शी इज द ओरिजिनल सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग. माधवी, we are glad to have you here, Vani ji, and request her to sing the song. Vani ji, हमारी ऑडियंस, जजेस और पूरी दुनिया आपकी आवाज फिर से सुनना चाहती है. प्लीज मैम, जस्ट सिंग फ्यू लाइंस फॉर अस. गो गो बैक. चित चूर करे बदरा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वहां होना चाहिए था? मुझे कब और कहां होना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं. जस्ट वेट एंड वॉच. हेलो पापा, आपने मेरा शो देखा? आई स्कोर्ड फुल मार्क्स. जजेस को मेरा गाना बहुत पसंद आया. कांग्रेट्स बेटा, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना. जी पापा. लाओ. जी 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 पापा. पापा मम्मी. ओम, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए. ओम, आप घर पर ही हो ना? वाणी, मैं थोड़ा बिजी हूँ. तुमसे बाद में बात करूँ? हाँ बिल्कुल. क्या हुआ? पापा थोड़े बिजी है ना. जय टेस्ट्री साहब जी. साहब जी एक बात बोलूं, जिसकी किस्मत में जो बनना लिखा होता है वो वही बनता है. हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कल सोमू ने क्या गाया, देखना एक दिन वो बहुत बड़ा सिंगर बनेगा. तुझे सब कुछ पहले से ही पता होता है ना, इसीलिए बच्चों ने तेरा नाम रखा फोरकास्ट. तो फोरकास्ट जी कभी ये सोचा है कि जो आप कहते हैं वो सच ना हो तो फिर क्या होगा? गलत नहीं होगा, आप देख लेना. चल छोड़, मेरा काम करेगा? जी बोलिए. मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स लाएगा? हाँ हाँ, कितने लाऊं साहब जी? ले आ 20-25 पैकेट. अब तो तेरे दूध और कॉर्नफ्लेक्स से काम चलाना पड़ेगा. हाँ हाँ हाँ, जी जी अभी लेके आया. आइए इस एपिसोड को शुरू करते हुए आ रही है जवा दिलों की धड़कन. सबके दिलों पे राज करने वाली, हिंदुस्तान में पैदा हुई, जर्मनी में रहने वाली सेंसेशनल हंसिनी. छोड़ डाले मन सतरंगिया, मुआ मरोड़ डाले मोरे अंगिया.
परफॉर्मेंस हंसनी। हम सबको तो हंसनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं कि जजेस को हंसनी का परफॉर्मेंस कैसा लगा। सपना जी, वेरी गुड हंसनी, आई एम गिविंग यू स्पेशल ब्राउनी पॉइंट्स 10। नितिन जी, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हंसनी। बीइंग अ परफॉर्मर टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज बीइंग अ गुड सिंगर। एंड द वे यू डांस्ड अलोंग विद योर सिंगिंग, हैट्स ऑफ टू यू एंड हियर आर माय पॉइंट्स। Hansini, I feel that you are simply fabulous and what you deserve is... Thank you. No. You deserve a 10 out of 10. पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो राम रतन धन पायो। गपद सा पद सा रे रे रे, पद सा रे रे रे, करे सा दा पा सारे। अरे ओम, सोम का शो नहीं देख रहे यार? सच सच बता, तेरा बेटा इतना कमाल का गा रहा है टीवी पर, सारी दुनिया उसे देख रही है और फिर भी तू खुश नहीं है। यार मेरा सपना होता तो मैं खुश होता ना। सोम की उम्र इस वक्त पढ़ाई करने की है, ना कि ऐसे शोज। और जब ये शो खत्म होगा, इट विल बी इम्पॉसिबल टू गेट हिम बैक टू हिज स्टडीज। बस गई पढ़ाई। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सिंगर बने यार, ये भी कोई करियर है सिंगिंग? सो ब्लडी अनस्टेबल। क्या क्या प्लान्स किए थे मैंने, सोचा था वो स्कूल खत्म करेगा तो किसी अच्छी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजूंगा उसे, ये करूंगा वो करूंगा। उसकी मम्मी ने तो, भाभी ने जो कदम उठाया ना, सोच समझ कर उठाया है। यार ओम, योर सन इज अ टैलेंटेड सिंगर, ही इज ऑलरेडी बिकम अ हाउस होल्ड नेम, म्यूजिक इंडस्ट्री बूम पर है। जरा सोचो तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो रियलिटी शो से उभर कर आज सिंगिंग स्टार्स बन चुके हैं, छोटी उम्र में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इट्स बेटर टू बी अ पार्ट ऑफ अ हाई पेइंग अनस्टेबल प्रोफेशन रादर देन अ लो पेइंग स्टेबल प्रोफेशन। यस, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वाइफ एंड सन। पापा, 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 आप क्या कर रहे हो? आज भी तीनों जजेस ने सबको 10 आउट ऑफ 10 दिए। जल्दी नीचे आ जाओ। ओह, 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हो? तू चल रहा था। Good. Come on, Sam. You know you can do it. Come on, Sam. Woo! We cheer for you. मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद। I hope I didn't miss anything. Yeah, you did. क्योंकि मैं ये कॉन्टेस्ट जीतना चाहता हूँ। So please vote for me. Type कीजिए आकाश and send it to 36363. Thank you. वोट मांग रहा है। मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं ना, सबको फोन करो। ऐसे एक एक करके कब तक सबको बोलते रहेंगे कि सोम को वोट दो? Hey guys, आइसक्रीम खाओगे? Full of calories, proteins and sugar. तुझे खाने की बड़ी है यार, तू ये सोच कि हम सबको कैसे मोटिवेट करें जिससे कि वो सोम को वोट दे। सोचता हूँ। आइडिया। क्या? एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले, हाँ हाँ बल्ले बल्ले।
जो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले, अरे जो ना देगा वोट उसकी लाइफ समझो थल्ले थल्ले। इसी बात मान ले पल्ले आज काम ले, नुस्खा पल्ले बांध ले, दिल दी बात मान ले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीतूं, तो प्लीज कीप वोटिंग फॉर मी। टाइप कीजिए आकाश एंड सेंड इट टू 36363। अरे घूम नाम दी छाले, वोट आज जो डाले, अरे घूम नाम दी छाले, वोट आज जो डाले, घूम धाम दी चुस्की मारो गीत जीत के गाले, अरे आर छलाका पार छलाका मंगदा है जो पाले। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने सारे वोट्स देने के लिए, एंड कीप वोटिंग फॉर मी। चार महीने हो गए तुम्हें मेरी जरा भी याद नहीं आती। आती है ना। आज काम ले, नुस्खा पल्ले बांध ले, दिल दी बात मान ले। आइए इस एपिसोड को शुरू करते हुए सबसे पहले सुनते हैं धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ने वाला हिमाचल की शान आकाश कुमार को। मुझे बहुत अच्छा लगा आकाश जी आपका गाना। आकाश as always brilliant performance. He's absolutely superb. You're superb आकाश। शोर मचा दे आशे, बीट हमें जो करने आए, उसी के बाजे। कर पार चला का टेंशन पल में भागे। दिल दी बात मान ले, पल ते आज काम ले, निष्का पल्ले बांध ले, दिल दी बात मान ले, और दिल दी बात मान ले, पल ते आज काम ले, निष्का पल्ले बांध ले, दिल दी बात मान ले। अब वो घड़ी आ चुकी है जब मुझे अनाउंस करना होता है आज के इस एपिसोड के विनर को। मेरे पास है रिजल्ट और सबसे ज्यादा ऑडियंस के वोट बटोरते हुए आइए ना, आइए। इस एपिसोड की विनर है आकाश कुमार। आकाश कुमार रागा राक्ष जीत पाएगा। नहीं, नहीं। क्यों? आकाश कुमार नहीं, सोम शर्मा जीत पाएगा ना देवी माँ। हाँ सोम, हाँ जीतेगा, जरूर जीतेगा। चलो सोम को फोन करते हैं। करो ना सोम को। लगा लगा फोन लगा। जल्दी। मुझे भी फोन देना। हेलो हेलो सोम, मुबारक हो, तुम रागा राक्ष जीत गए हो। क्या? देवी माँ ने बोल दिया। हम काली गुफा से ही बोल रहे हैं। हेलो सोम। हेलो हेलो सोम सोम आज तो फुल ऑन पार्टी। हेलो हेलो ओ शिट, मुझे ना मैंग सर का कॉल आ रहा है। आई विल कॉल यू बैक। सोम मुझे भी दे यार। हेलो सोम। हेलो हेलो मैंग सर,
Hello, my boy. कहाँ? सर मैं तो अपने होटल में हूँ, आप भी आ जाओ ना यहाँ. Do you really want me there? हाँ सर, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना. Okay. Just turn around. Oh my God, Mahesh sir. Come. How's my champion? What a surprise, sir. Well, that's the greatest gift which I can grant you, my boy. Thank you, sir. I'm so happy. So tell me how's it happened. Very nice. सबको गाना अच्छा लग रहा है. सपना जी, यार गीत का कितना टाइम लगेगा हंसनी को? सभी कंटेस्टेंट्स जो है, उसे लेकर जल्दी आओ ना. अरे नहीं नहीं, यहाँ पे जजेस सारे रेडी हैं. आज तुम लोग ना मुझे डांट पड़वाओगे. अरे लिफ्ट छोड़ो और सीढ़ियों से आ जाओ, ठीक है? आकाश, जब आप गाते हो और स्पेशली जब आप हाई नोट्स गाते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्रेथ कंट्रोल, क्योंकि अगर आपका ब्रेथ कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी वॉइस क्रैक होगी. और दूसरी बात, आज की तारीख में आपको क्लासिकल गाना है, आपको पंजाबी गाना है, आपको पॉप गाना है, आपको रोमांटिक गाना है. क्या गीता, आपका नंबर नहीं है. कर दी, और कॉम्पिटिशन जीतने के लिए ये बहुत जरूरी है. आकाश, आपका सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बेटर होना चाहिए. मुझे लगता है कि अभी आपको भी ना पेपी नंबर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. अब हंसनी को ही देख लो, शी ओनली सिंग्स पेपी नंबर्स एंड पीपल लव टू डांस विद हर. देखो आकाश, तुम्हें ज्यादा वोट्स तब भी मिलेंगे जब तुम वैसे गाना गाओगे जो लोग सुनना चाहते हैं. Oh my God! Hey baby, calm down. What's happening? Mom! Mom! They are cheating. This is not fair. Mr. Monty Sharma is suggesting Akash to sing my kind of songs. Then my votes are going to be shared. I cannot tolerate this. I don't want to be part of this contest. Take me back home. I just want to withdraw. No, baby. Never ever give up. And remember, if you want to win the race, distract the attention of your rival. Winners don't do different. They do differently. Your mood ring's color shows that you're a little bit confused today. Actually, I am confused. I don't know what to do in this situation. My mom, even my mentors are telling me to sing classical songs in the semi-final. But the judges are advising me to sing some pop and peppy numbers. Well, Akash, listen. I think you are amazing and just brilliant in your Indian classical songs. Anyone can do my kind of song. But your kind of songs are quite unusual. Participants dare to choose. If you listen to me, I would say you should stick to your genre, Indian classical. It suits you. सुमिरन करूं मैं तोरा, सुमिरन करूं मैं तोरा. तू साहेब है मोरा, सुमिरन करूं मैं तोरा, सुमिरन करूं. क्या हुआ आकाश? गाओ गाओ, एक बार फिर से गाओ. नो 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 मॉन्टी जी, आई एम वेरी सॉरी, ये फिर से नहीं गा सकता. He's a fabulous singer. एक चांस तो मिल ही सकता है उसको. मॉन्टी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज फार एज आई नो, ये शो जो है ये नॉकआउट शो है. रूल इज अ रूल. अगर आप इसे गवाना चाहते हैं तो एक काम करते हैं, जितने भी एलिमिनेट हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, उन सब पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं और एक एक चांस और देते हैं. क्यों सपना जी, आपका क्या कहना है? यू आर राइट नितिन. आकाश, we are very sorry.
वाह देखो सब जगह सोम ही सोम। घर की चाबी मेरे पास है। म्यूजिक ने मुझे सिर्फ दर्द दिया है। मन उदास मत करो। ओम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अपने बेटे की इस उदासी का कारण मैं हूं। आप सही थे, मुझे अपने अधूरे सपने अपने बेटे के जरिए पूरे नहीं करने चाहिए थे। मैंने उसे जीत के सुनहरे सपने तो दिखा दिए, पर हार की सच्चाई से रूबरू नहीं कर सकी। जो हो गया सो हो गया, एक दो दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझसे अपने बेटे की उदासी देखी नहीं जाती। इससे तो वही दिन अच्छे थे जब वो कभी क्रिकेटर कभी साइंटिस्ट बनने की सोचता था। पता नहीं क्यों मैंने उसे सिंगर बनाने का सोचा, कि वो टीवी पर गाएगा, बड़े बड़े एक्टर्स के लिए प्लेबैक करेगा। अपने ही बनाए हुए भंवर में मैंने अपने बेटे को कहीं खो दिया। कैसी माँ हूं मैं। बस, 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 बस।
अरे मैडम जी, आप नीचे उतर आइए, हम निकाल देंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, मैं पतीला लेके। अच्छा ये ये सोमू के लिए केसर बादाम का दूध। अब इसकी क्या जरूरत है? अभी तो सोमू को इसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ गुड मॉर्निंग फोगास। गुड मॉर्निंग। अरे एक मिनट एक मिनट, देखो सोमू से मुंबई की बात बिल्कुल मत करना और उससे हमदर्दी तो बिल्कुल मत दिखाना, क्योंकि हमदर्दी हमेशा हार का एहसास दिलाती है। हाँ। और हमारा सोमू अभी हारा नहीं है, ये तो जीत की शुरुआत है और जीतने के लिए हार को पहनना पड़ता है। ठीक है, समझ गई, थैंक्स। सो को देर से सोया होगा, मैं उसे बता दूंगी, वो तुमसे बात कर लेगा। ओके शिमले दीरा है चंबा है कितनी आए। अमिताभ बच्चन का घर देखा क्या? उनकी पोती से तो मिलने का मौका नहीं मिला होगा। सुनिए, आपके सितारे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इस तरह भी कोई हारता। 700-800 रुपए के SMS किए हैं मैंने, फिर भी हार गए। आप ही बताओ, पैसों की लंका लगा दी, सारे पैसे खराब कर दिए मेरे, हैं? ये कोई बात हुई क्या? डोगरा जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, प्लीज। हाँ हाँ, खरीद लीजिए जो खरीदना है, लौटते वक्त मिलते जाइएगा, मैं यहीं मिलूंगा। हाँ। वही तो मैं कह रहा था कि बड़ा करारा चावल था वो। ओम जी, सुनिए, ओम जी, सुनिए, रुकिए, ठहरिए तो, रुकिए तो, अरे एक बात पूछनी थी आपसे, राखी सावंत का नंबर है क्या? और पूनम पांडे का? अरे ओम जी, किस किस के मुंह बंद करेंगे, बोलने दीजिए उन्हें। There's a limit to everything. हद। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो सोमाज स्कूल नहीं गया। बिल्कुल, नहीं तो पता नहीं उसको भी लोग रोक रोक के 10 सवाल पूछते। वैसे वो स्कूल क्यों नहीं गया आज? पता नहीं, कहने लगा स्कूल नहीं जाना, तो मैंने भी उसे फोर्स नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इतने दिन एब्सेंट रहा तो थोड़े दिन और से। लेकिन एक बात है,
से रियाज रोज करना चाहिए। तुम उसको गाना सिखाना फिर से शुरू कर दो। He's a good singer. अब सीखना शुरू करेगा तो हो सकता है कुछ सालों में अच्छा सिंगर बन जाए। इस रेडियो शो के जरिए कम से कम हमें उसका ये हिडन टैलेंट तो पता चला है ना, और आगे अपॉर्चुनिटीज तो कहीं भी आ सकती हैं। वो स्कूल नहीं जा रहा, किसी से ठीक से बात तक नहीं कर रहा, ऐसा कैसे चलेगा? आइडिया, हमें ना उसी बहुत बड़ी रेस्टोरेंट मिले जाते हैं, उधर है ना बहुत खिलाएंगे उसे। आई एम श्योर उसका मूड शट अप यार। आई हैव अ बेटर प्लान। व्हाट? हम उसे यही लेके आते हैं, ही लव्स बाइसिकल रेसिंग। मिलियन डॉलर प्लान। और हाँ, अगर उसे तू कहेगी ना तो वो जरूर आएगा। मुझसे दोस्ती करोगे? कहो ना, प्यार है? क्या चाहते हो तुम लोग? हम आपसे प्यार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा वक्त आप हमारे साथ भी बिताएं। हम चाहते हैं आप थोड़ा खाएं और हमें भी खिलाएं। हम हटो हटो हटो, चलो चलो चलो, इसे पहन लो। मुझे नहीं पहनना यार। अरे कम ऑन यार, बहुत टाइम हो गया साइकिल रेस लगाए हुए। Let's मुझे race. कोई रेस नहीं करनी। चलना यार। So, ले सो, full of calories and full on fiber, it will heal you. नहीं खाना मुझे। क्या? क्या हो? क्या हो? क्या गया तुझे? ये क्या है सोना? मेरी girlfriend बनने की कोशिश मत करो। 21 करने से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो गया। जस्ट गेट आउट। सारी मेरी गलती है ना, ही मैं रागर उसका ऑडिशन देने जाता और ना ही ये सर। जस्ट लीव मी अलोन। क्या हुआ, सोम ने कुछ कहा? Do you want to be a star? Mayank Kapoor Academy. हाँ बस। Right. हाँ कमाल के लिए जाओ। क्या हुआ सर? आराम से पकड़। सोम के मामी का फोन है। Okay. Tell her I'm busy. Go. Hello. निखिल। Yes sir. तुम इन लोगों के साथ ऊपर जाओ बालकनी में। Okay. और बैनाना सबसे ऊपर लगाओ जी, पूरे शहर को देखना चाहिए। गुड, गो। सर, वो बोल रही हैं कि कुछ अर्जेंट बात करनी है आपसे। इनकी पेमेंट क्लियर है? नहीं सर, इसीलिए तो फोन किया है शायद। गो। ओके। हेलो वाणी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। मयंक जी, एक्चुअली सोम इज वेरी डिप्रेस्ड, वो ठीक से बात भी नहीं कर रहा। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको फोन किया कि अगर आप एक बार उससे मिल लें तो शायद वो कुछ बेटर फील करे। आप उसे मिल सकते हैं प्लीज? वाणी जी, एक्चुअली इस समय मैं काफी बिजी हूँ, यू नो सबने एडमिशन का काम चल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप उसे मेरे पास 1 ईयर फुल ग्रूमिंग कोर्स के लिए भेज दीजिए, एंड आई गिव यू ह्यूज डिस्काउंट। लेकिन मयंक जी, सोम ऐसी हालत में नहीं है, इसीलिए अगर आप क्या कर रहा है? ध्यान से, अरे ट्रॉफी टूट गई तो? बहुत मेहनत से कमाया इस ट्रॉफी को। हाँ वाणी जी, आप सोच लीजिए एंड लेट मी नो
और हाँ, वो जो मैंने सोम के पोस्टर्स जो शहर भर में लगवाए थे और उसे गाइड करने जो मैं मुंबई गया था, दैट बिल इज पेंडिंग। आप वो पेमेंट जरा जल्दी क्लियर करवा दीजिए, राइट? मिस्टर कपूर, हमने आपको मुंबई नहीं बुलाया था और पोस्टर भी हमने नहीं लगवाए थे, लेकिन फिर भी अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आप किसी को भेज दीजिए, और इतना जरूर बता दीजिए कि पेमेंट आपको कैसे चाहिए, बाय चेक और बाय कैश। They won't understand. It's business. Stupid people. मुझे गुरुजी के पास, परेशान हो गया हूं, थक गया हूं मैं आपके सपने पूरे करते करते। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? ऐसा बिहेवियरल चेंज, इट्स क्वाइट ऑब्वियस मिस्टर शर्मा। उसकी जगह कोई और होता तो वैसे ही रिएक्ट करता, शायद मैं भी। डू यू नो, मेरे स्कूल में जब बच्चा फेल होता है तो मारे शर्म के 8 दिन स्कूल नहीं आता, और यहां तो सोम ने पूरी दुनिया के सामने अपनी हार का सामना किया है। लेकिन कंपटीशन में तो हार जीत लगी रहती। करेक्ट, हम सब ये बात जानते हैं, लेकिन क्या ये हम अपने बच्चों को बताते हैं? नो, नेवर। यू नो मिस्टर शर्मा, स्पोर्ट्स में बच्चों को स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है। यू नो व्हाट आई बिलीव? I believe बच्चों को emotional stamina building सिखाया जाना चाहिए, emotional stamina building, so they can cope with all these pressures and failures. Race में एक ही जीतता है, इतनी सी बात हम उन्हें नहीं समझाते, बस उनकी जीत की उम्मीद लगाए बैठते हैं। घबराइए मत, ये आनम है, मेरे कमरे में रोज आती है, शी विजिट्स मी एवरी डे। इसकी भी एक सैड स्टोरी है। सर, हम लोग सोम की बात कर रहे थे। मैं भी उसी की बात कर रहा हूं मिस्टर शर्मा। पता है, मैं आनम के लिए इतनी ठंड में भी ये दरवाजा हमेशा खुला रखता हूं, उसे यहां बाहर की कड़कती सर्दी से थोड़ी सी राहत मिलती है। वो कुछ देर इस कमरे की गर्माहट लेती है और फिर उड़ जाती है। शायद आपके बेटे को भी आपके दिल की गर्माहट की जरूरत है। आपका बेटा भी आनम की तरह है, उसके ख्वाब आसमानों में उड़ रहे हैं, लेकिन आपने उन ख्वाबों को अपनी उम्मीद के पिंजरे में कैद करके रखा है, और फिर उसके पर हम सब ने, इनफैक्ट इस पूरे शहर ने काट दिए, और आज जब वो उड़ नहीं पा रहा है तो हम सब ने अचानक उसे मुंह मोड़ लिए। आनम, पर सर हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। I understand your trauma, but you know, we must do everything to bring him to normalcy. Otherwise, he will become a patient of paranoia. आप ही गाइड कीजिए ना हमें कि इस वक्त क्या करना चाहिए। उसके साथ वक्त बिताइए। For example, आप उसे अपने साथ मार्केट ले जाइए सब्जी खरीदने। We have to set new goals for him. Do you understand?
Buy him a pet for God's sake, which he can look after. उसके बचपन के फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? उसके साथ बैठकर उन लम्हों को दोहराइए जब उसने आपके साथ अपनी छोटी मोटी चीजें शेयर की थी. उसकी कामयाबियों को दोहराइए जब आपने उसकी पीठ थपथपाई थी. मिस्टर शर्मा, वो बहुत होनहार लड़का है. प्लीज डोंट लेट दिस डिफीट अफेक्ट हिज वास्ट टैलेंट्स. इट्स ओनली अ टेम्पररी फेज ही इज गोइंग थ्रू, बट यू बोथ विल हैव टू बिकम हिज बेस्ट फ्रेंड्स. ही नीड्स योर सपोर्ट. अच्छा, आपको पता है मेरे स्टूडेंट्स पीठ पीछे मुझे किस नाम से बुलाते हैं? हिटलर. क्या? यस, हिटलर. शर्मा साहब, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी सख्त इमेज अच्छी होती है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम लेकर मेरे ही पास आते हैं. वैसे ट्राई टू सेंड हिम टू स्कूल, इट्स इंपॉर्टेंट. आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट यू विल हैव टू ट्राई. पता है जब तू बहुत छोटा था कभी कभी रात को बिजली चली जाती थी, तुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, बहुत रोता था तू. फिर तेरी मम्मी या मैं रात भर तुझे लेके इसी बालकनी में घूमते थे, राजकुमारों और परियों की कहानियां सुनाया करते थे. आज भी मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहता हूं, कहानी जिसका हीरो तू है. हीरो? मैं? बिल्कुल. वो इसलिए क्योंकि ये कहानी नहीं है, तेरी सच्चाई है. बचपन में तू चलना सीख रहा था हमारी उंगलियां पकड़कर, फिर एक दिन अचानक तूने हमारी उंगली पकड़ना छोड़ दिया, खुद चलने लगा. थोड़ा चलता फिर गिर जाता, फिर उठता, फिर थोड़ा चलता, फिर गिर जाता. करते करते एक दिन तू सीढ़ियों से गिर गया, बहुत चोट आई तुझे, बहुत रोया तू, लेकिन तूने चलना नहीं छोड़ा. इस सब के बावजूद एक दिन तू वही सीढ़ियां खुद पर खुद चढ़ गया. मुझे यकीन है कि तू जिंदगी की सीढ़ियां भी इसी तरह खुद चढ़ेगा. वाणी, क्या हुआ? क्या हुआ वाणी? कितना भयानक सपना था. बस वाणी, बस बस बस, रोना बंद करो वाणी, स्टॉप क्राइंग. तुम सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ. आज सोम को स्कूल में जाना है ना, मुझे उसकी तैयारी करनी है. मैं चलती हूँ. सोम, सोम, Thank you.
नहीं आ रहा। इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? सोम, 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 सोम। तुम पीछे देखो। सोम, 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 सोम। सोम को देखा कहीं पे? हाँ अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे सोमू बाबा, इस एक्सरसाइज करने आए हो? जरा ये हाथ सीधा करना, जरा खींचना, खींच खींच खींच। तुमने कुछ पहना भी नहीं, देखो मुंह सब लाल पड़ गया है तुम्हारा, कान सब सुन, मफलर बांधो, कुछ तो बांध लेना चाहिए, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। कसरत जो करता हूँ, शरीर मजबूत रहता है और दिमाग भी, और जब दिमाग मजबूत होता है तो आप जिंदगी में अच्छे बुरे का सामना कर सकते हो, है ना मेरा सोमू? आंटी प्लीज मत रोइए, he will come back soon. मेरा दिल कह रहा है वो जल्दी वापस आ जाएगा। हेलो, हाँ पापा। नहीं अभी नहीं आया पापा, वो आ तो जाएगा ना पापा। पापा वो आ गया, वो आ गया पापा। कहाँ चले गए थे तुम? बता के जाना चाहिए था ना।
मैडम जी, सोमू को संभाल लीजिए, कुछ भी करिए पर इसे जीने दीजिए। इसका मन बहुत अशांत है, अगर आज मैं नहीं होता ना जाने। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि दूध लेके जा रहा। तुम साबित क्या करना चाहते हो? बहुत दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, रागा रोग सार जाने से सब कुछ खत्म हो गया, यही? तो फिर बाकी कंटेस्टेंट्स जो फाइनल तक नहीं पहुंचे, उन्हें भी तुम्हारी तरह खाना पीना मिलना जुलना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सो इन आवर सोसाइटी देयर शुड नॉट बी एनी कंपटीशन एट ऑल। एक बात बताओ, तुमने अभी तक अपनी पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ी? हाँ हाँ हाँ, क्लास 9 तक तो तुमने कभी टॉप किया नहीं, तो छोड़ क्यों नहीं देते पढ़ाई? जरा सोचो, अच्छे जिस 6 महीने पहले तुम क्या थे, पर आज लोग तुम्हें जानते तो हैं। सो तुमने रागा रॉक्स जैसे रियलिटी शो में हिस्सा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। दूंगी एक नाक पे अगर तुमने अपना ये डेली सोप वाला ड्रामा बंद नहीं किया तो, और इसे मुंडी नीचे रख के बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं। Are you coming to school or not? No. क्यों? I can't face them after this defeat. Oh God, कौन समझाए इसे? एक काम क्यों नहीं करते? तुम किसी ड्रामा कंपनी में एक्टर क्यों नहीं बन जाते? I can't face them after such a defeat. Stupid. तुम्हें क्या लगता है? किसी के पास और कोई काम नहीं है? सब गेट के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे कि कब आएंगे ट्रेजेडी किंग, मिस्टर सोम शर्मा? ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और तुम मेरे साथ स्कूल चल रहे हो, ये मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। ओके, चल रहे हो कि नहीं? यस और नो? सुनाई नहीं दिया? यस और नो? कहा तो यस। Our whole emphasis this year will be on music and working on your music skills. Wow! Som is here! Som Sharma! Please come up on stage. Come! Ciao. A big round of applause for Som Sharma. Welcome back, Som. We all are very proud of you. Very proud. And now let me introduce you to your new music teacher, the Indian guitar maestro, Mr. Arthur D'Souza. Thank you. Thank you, Bhatti sir. Congratulations, Akash. I mean, Som. I must tell you, it's a pleasure meeting you. मैंने टीवी पर तुम्हें गाते हुए देखा है। You're very talented. एक बात बताऊं, अगर आज मैं यहां पर हूं तो केवल तुम्हारे कारण। जब मैथ्यू सर ने मुझसे कहा कि मुझे यहां स्कूल में म्यूजिक सिखाना है, तो मैं टू माइंड्स में था कि हां कहूं या ना कहूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि सोम शर्मा स्कूल का स्टूडेंट है और मुझे उसे म्यूजिक सिखाना है, सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई सेड यस। पता है सोम, म्यूजिक इज लाइक द ओशन, तुम उसे जितना नापोगे उतना ही कम है। मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाऊंगा और खास तौर से गिटार भी, बट बिफोर दैट सोम विल हैव टू सिंग फॉर अस, राइट? यस, थ्री चीयर्स फॉर सोम। Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Friends, it looks like Som is not in a mood to sing today. But I promise you, he will sing for us very soon, right, Som? Happy birthday to you, happy birthday
मेरा बर्थडे थोड़ी है। पूरा मुंह चिप 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 हो रहा है। अक्स, तूने शेर के मुंह में हाथ डाला है। इसका बदला तो मैं ट्रूथ एंड डेयर में ही दूंगा। मगर बॉर्डर तो मैं घुमा रहा हूं ना भाई। और रही बात इसकी, तो इसका मुंह रहेगा सीधा तेरे ऊपर और ये घुमाया। जवाब दे वरना वही करना पड़ेगा जो ओशीन बोलेगी। I won't. मैं इसके जवाब नहीं दूंगा। ओके, तो फिर मैं जो बोलूंगी वही करना पड़ेगा। चड्डी पहन के फूल खिला है ना। तुम सबको एक बात बताओ, ओशीन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसे कष्ट हो। क्यों ओशीन? हाँ सोम, सिंग अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर मी। रिटर्न गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। ये ड्रामा तुम किसी और दिन भी कर सकते थे पर तुमने आज का दिन चुना। सो सेल्फिश। एक गाना ही तो गाना था बट यू रूइंड माय डे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दैट्स इट, वी आर ऑफ। सपना, माँ का सपना, किसी का सपना पूरा नहीं कर सकता। I'm nothing. I'm just a loser, Oshi. Just a loser. No, Shona, no, you're not. मम्मी को क्या हुआ? कैसे हो सोम? हाँ,
अपनी मम्मी का ख्याल रखना। ओम जी जी जरा प्लीज आएंगे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओम जी उन्हें चोट से ज्यादा डिप्रेशन है, और ऐसे पेशेंट्स को दवाई से ज्यादा जरूरी है उन्हें खुश रखना। आप उनका ख्याल रखिएगा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर कल तक उनकी हालत नहीं सुधरी तो इन्हें शायद चंडीगढ़ शिफ्ट करना होगा। वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क। आई टेक अ लीव। थैंक्स डॉक्टर। तुम्हें पता है मम्मी जीने से क्यों गिरी है? बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड। और क्यों है डिप्रेस्ड? क्योंकि तुम पूरा दिन घर पे मुंह लटकाए घूमते हो। उसे लगता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो है, इसलिए खुद को सजा दे रही है। I'm sorry, Dad. सॉरी से कुछ नहीं होगा सोम। You have to feel it. तुमने तो कोई ऐसी शोहरत हासिल ही नहीं की जो तुम्हारी मॉम ने की थी। एक मिनट में वो सब कुछ छोड़ के यहां मेरे साथ आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, इस परिवार से प्यार करती है। आज अगर वो बीमार है ना तो इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हारी मॉम को अगर कुछ हो गया ना तो मुझे पता नहीं तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत पड़ेगा। बिकॉज आई लव हर। आई लव हर टू डैड। चमक धमक में जिंदगी, धड़क धड़क के रुक गई, हौसलों का क्या करें जब मंजिलें ही छिप गईं। I love you more, I love you more। चलती है ये भी तो तेरी है। I love you more, I love you more। जिंदगी मैदान में बचपन का आंगन लगे, जिंदगी मैदान में बचपन का आंगन लगे। मुन्ना गिरे नोए उठे माँ की ओर चल पड़े, धूप भी छाओ थी, धूप भी छाओ थी मादरी।
मैंने तुझ में लिया, तूने ही हर पल मुझे जीने का जज्बा दिया। कर्ज तेरा ओ माँ, कर्ज तेरा ओ माँ, सितारों से भी पता है सोमू, संगीत चारों ओर है, इन वादियों में, हवाओं में, झरने से गिरते पानी में, और यहां तक कि इस भीड़ में भी है। ध्यान से सुनो, सुनो सुनो, इनके कदमों की, हंसने की, बच्चों के रोने की, सुनो 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 सुना, कोई किसी को बुला रहा है। वो सुनो, दूर कहीं मंदिर के घंटे की आवाज, कितनी सुरीली आवाज, बिल्कुल संगीत की तरह। सोमू, ये संगीत हमारी जिंदगी है, हम इससे कभी अलग नहीं हो सकते। फिर तुम क्यों इससे दूर भागना चाह रहे हो? ओ तरीकी, मुझे तो भागना होगा। अगर वकील साहब बगैर दूध पिए कचहरी चले गए तो मुझे तो जेल भेज देंगे। हाँ, मैं तो चला, चल 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 चल, बाद में मिलता हूं। अपना ख्याल रखना सोमो। आप यहां क्या कर रहे हो? आप ऊपर क्यों आए? आप बैठिए ना। बेटा, जिस काम को करने में खुद को खुशी मिलती हो वही काम करना चाहिए। अगर तुम्हें गाना अच्छा नहीं लगता
तो मुझे खुश करने के लिए मत गाओ। नहीं मॉम, मैंने रात भर सोचा है, मैं फिर से गाऊंगा। क्या आप अपने गुरुजी से मेरे लिए फिर से बात करोगे? आई वॉन्ट टू मीट हिम। मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सिंग। तो फिर घर से ही शुरुआत करें। Why not, Dad? Come on. मजा आ गया सोम, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? मुंबई? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। कब है रिकॉर्डिंग? ओह, एंड ऑफ दिस मंथ। श्योर श्योर श्योर, मैं जरूर गाऊंगा। ओम, कौन? शान के साथ? हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे? यू मीन? नहीं वाणी, शान द सिंगर, दिस टाइम इट्स हिज डिसीजन। मैं उनके साथ गाऊंगा, हम उस पे कुछ थोप नहीं रहे। वाओ, वी आर जस्ट सपोर्टिंग हिम। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं वहां आकाश कुमार बनके नहीं बल्कि सोम शर्मा बनके गाना चाहता हूं। थैंक यू। हे गाइस, पता है मुझे मुंबई से गाना गाने का ऑफर आया। आई मीन, यही तो मेरा सपना था। माय ड्रीम्स हैव कम ट्रू एंड नाउ आई अंडरस्टैंड दैट फेलियर इज अ बेटर टीचर देन सक्सेस। टेक एम एंड पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स। और इस बार मैं मेडल जीतने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए गाऊंगा। ओशी, झंडी निकाल। मतलब ये कि एक रेस हो जाए उस चोटी तक। ए, 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 फिर से हाथों में हुई है खुजली, रेस लगाने की, बादल छू आने की। ए, 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 शायद फिर से शर्त लगी। Are we ready? को पीछे छोड़ाने की, सीना करके चौड़ा, न हाथी है न घोड़ा। मस्ती में आके पैदल घुमा के, घंटी बजा के, get set go, whoa, whoa, get set, चल चल ना यार, get set go, हम हैं तैयार, साइकिल पे होके सवार, get set go, whoa, हम थोड़े मन चले हैं, हम थोड़े सिर फिराए, अपने तो रूल्स निराले हैं, हम दुनिया से परे। हम थोड़े मन चले हैं, हम थोड़े सिर फिराए, अपने तो रूल्स निराले हैं, हम दुनिया से परे। हमें अपना गैंग प्यारा, कोई बिगाड़े क्या हमारा, जो सारे मिल जाए, दुनिया हिल जाए, तो पीछे रह जाए ये जमाना। Whoa, oh, get-